बॉन्ड तो हमने देख लिया कि डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने की वजह क्या है, क्योंकि दे मेक बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स। अब देखते हैं जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जेटिक्स क्या होती है, मतलब एनर्जी का क्या लेना देना है सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में, या जब बॉन्ड बन रहा है तो क्या होता है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप मेरे पास ये एक टेबल देख रहे हैं और टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने, ग्लास, जग, कुछ भी हो सकता है, एंड एक ग्लास जो है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, दोनों में से मैं आपसे पूछूं, और आई एम श्योर आपने फिजिक्स में ये देखा ही होगा कि अगर हम किसी चीज़ को नीचे से उठा के ऊपर रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, उसमें उसकी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो आपको ये पता है कि जो ऊपर चीज़ रखी हुई है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, जो नीचे रखी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम है, ये तो हमें फिजिक्स से मालूम है। अब मैं आपसे वैसे जनरल ऑब्जर्वेशन की बात करूं कि ये जो एक जो नीचे पड़ी हुई है चीज़, जो नीचे है, ये यहाँ से नीचे कहीं और गिर तो नहीं सकती, तो इसका मतलब है ये स्टेबल है। बट जो चीज़ टेबल पे रखी हुई है वो अगर थोड़ी सी भी कोई इसको झटका लगेगा टेबल से तो वो नीचे गिर जाएगी। नीचे गिरने का मतलब है कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है वो अनस्टेबल है, या उसमें कम स्टेबिलिटी है। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिप्पो ए लर्निंग प्रोग्राम, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ना सिर्फ इस सब्जेक्ट की बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर कंप्लीट देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए।